एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में, कॉन्ट्रैक्शन विच हैपन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो जो कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स। ये नाम आपसे कभी भी पूछा जा सकता है ड्यूरिंग योर वाइवा, योर एग्ज़ाम, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टडी ईच लाइन ऑफ दिस बुक। Uterine contraction in pregnancy has been named after Braxton Hicks, who first described its entirety during the pregnancy. तो इसका नाम ये Braxton Hicks क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने पहली बार इस contraction को identify किया था। From the very early week of the pregnancy, the uterus undergoes spontaneous contraction. This can be felt during the bimanual palpitation in early weeks or during the abdominal palpitation when the uterus feels firmer at one moment or softer at the another. Although spontaneous, the contraction may be excited by rubbing the uterus. तो ये जो contractions हैं ये early pregnancy में feel किए जा सकते हैं, किस process के through? Through the bimanual palpitation, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शंस आर इरेगुलर, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, तो इसको ध्यान रखना कि ये जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ये इरेगुलर होते हैं, इनफ्रिक्वेंट, स्पाज्मोडिक और पेनलेस विदाउट एनी इफेक्ट ऑन डाइल्टेशन ऑफ द सर्विक्स। सो इस टाइम पे कोई भी सर्विक्स के अंदर डाइल्टेशन नहीं हो रहा है, बट कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हैं? दे आर इरेगुलर, इनफ्रिक्वेंट, स्पाज्मोडिक मतलब सडनली आने वाले कॉन्ट्रैक्शन, एंड दे आर पेनलेस एज वेल, पेन नहीं होगा फीमेल को। पेन हो रहा है मतलब कि कुछ और कंडीशन हो सकती है। द पेशेंट इज नॉट कॉन्शियस अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन, पेशेंट को ज़्यादा पता भी नहीं चलता है इन कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में। इंट्रा यूट्राइन प्रेशर रिमेन्स बिलो 8 mmHg। नियर टर्म द कॉन्ट्रैक्शन बिकम्स फ्रिक्वेंट विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी सो एज टू प्रोड्यूस सम डिसकम्फर्ट टू द पेशेंट। अल्टीमेटली इट मर्ज विद द पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेबर। तो थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्शन जो है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चलते रहते हैं, बट उस टाइम जो इंट्रा यूट्राइन प्रेशर है वो 8 mmHg से कम ही रहता है, बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी का डिलीवरी का टाइम आने लगता है, टर्म का टाइम आने लगता है, तो उस टाइम पर ये जो कॉन्ट्रैक्शन है थोड़ा सा डिसकम्फर्ट करने लग जाते हैं पेशेंट को, एंड अल्टीमेटली लीड करते हैं टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेबर। इन एबडोमिनल प्रेगनेंसी ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट फेल्ट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर इज कम्प्लीट क्लोजर ऑफ द यूट्राइन वेन्स। जब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं सो जो यूट्रस की वेन है वो कम्प्लीट क्लोजर होती हैं, और पार्शियल ओक्यूलिजन ऑफ द आर्टरीज, और आर्टरीज का पार्शियल ओक्यूलिजन होता है इन रिलेशन टू इंटर विलस स्पेस रिजल्टिंग इन स्टेग्नेशन ऑफ द ब्लड इन द स्पेस, एंड दिस डिमिनिश द प्लेसेंटल परफ्यूजन कॉजिंग द ट्रांजिएंट फीटल हाइपोक्सिया विच लीड्स टू द फीटल ब्रैडीकार्डिया कोइंसिडेंस विद द कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द फीटल ब्रैडीकार्डिया हो रहा है, ये चीज़ साथ में हो रही है कब? जब यहाँ पर स्टेग्नेशन हो जाता है ब्लड का इस इंटरविलस स्पेस के अंदर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ लाइक देन प्लीज़ हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर वॉचिंग सो मैनी मोर वीडियोज़ लाइक दिस, एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू ऑल।